के साथ भिंड से आ रहे, जहां पे बीज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट। बीजेपी नेता राजकुमार कुशवाहा के खिलाफ कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट। 25 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। प्रॉपर्टी मामले में अपने समर्थक को फर्जी चेक देने का ये आरोप है। बीजेपी नेता राजकुमार कोर्ट से लगातार गैर हाजिर चल रहा है और 12 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश के बीज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता राजकुमार कुशवाहा के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ अब भिंड न्यायालय में 25 लाख के चेक के मामले में सुनवाई चल रही है। इस मामले में कोर्ट ने लगातार गैर हाजिर है वो, और जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता का करीब एक साल पहले अपने समर्थक मोनू कुशवाहा से प्रॉपर्टी के सौदे में 25 लाख का लेन देन हुआ था। इस रकम को लेकर चेक दिया गया। ये चेक बाउंस होने पर आवेदक मोनू कुशवाहा ने कोर्ट में परिवाद ये दायर किया है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। मामले की अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को होगी। यहाँ पर देखिए, बीजेपी नेता और बीज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ गई है। राजकुमार कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जिला कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। दिलीप सोनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। दिलीप, बीज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। बीजेपी के जो बीज निगम के जो उपाध्यक्ष रहे हैं, और इनका ये क्या प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करते हैं अपने जो समर्थक है जो मोनू कुशवाहा उनके साथ में, और उन्होंने एक साल पहले जो मोनू कुशवाहा है अपने उनके जो समर्थक है उनके कुछ 25 लाख की जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने 25 लाख का उनको एक चेक दिया था। लेकिन जब वो चेक बनाने के लिए जब बैंक में पहुंचे तो उनको चेक था वो बाउंस हो गया था। इसकी शिकायत उन्होंने कई मरतबा जो डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा है उनसे की, लेकिन उन्होंने इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही उनको पैसा दिया और ना ही चेक उनके बदले में कोई दूसरा चेक दिया। इसके बाद जो मोनू कुशवाहा है उन्होंने इस पूरे मामले में जो जिला जो कोर्ट है उसकी शरण ली, और उसके शरण लेने के बाद लगातार उनको डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा कोर्ट के द्वारा उनका नोटिस भी जारी हो रहा था न्यायालय में हाजिर होने के लिए, लेकिन वो किसी भी नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया और ना ही न्यायालय में वो हाजिर हुए। जिसको लेकर जो जिला जो कोर्ट है उन्होंने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाई है और जो डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा उनका गिरफ्तारी वारंट जारी की है, और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 12 दिसंबर को होगी। जी दिलीप, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर राजकुमार हैं, कई बार उनको कोर्ट की तरफ से बुलाया गया, वो कभी भी हाजिर नहीं हुए, अब तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। जी निश्चित तौर पर जो कोर्ट के द्वारा लगातार जो नोटिस भी जारी हो रहे थे, लेकिन जो डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा कोर्ट के जो आदेश की अवहेलना करते हुए कोर्ट के किसी भी नोटिस का उनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, और उनको लगातार एक भी किसी भी तामील पर वो नहीं आए थे, जिसको लेकर जो कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जो गिरफ्तारी जो वारंट जारी की है डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा के लिए। और उनका कहना है कि कोर्ट का भी ये कहना है कि जो आगे जो सुनवाई होगी 12 दिसंबर को उसमें निर्णय लिया जाएगा। और दिलीप, कहना क्या है, क्या आपकी डॉक्टर राजकुमार से कभी बातचीत हुई, उनके परिजनों से, परिवार के किसी सदस्य का क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्योंकि देखिए, एक तो वो नियम का, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी अपने डिसिप्लिन के लिए, अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, और ऐसे में देखना होगा कि पार्टी की तरफ से भी क्या यहाँ पे राजकुमार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।